गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर दोस्तों, मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आपको रेगुलर अपडेट्स देते आया हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट मिल रही है हमें, काफ़ी सजेशंस आ रहे हैं। तो आज जो चैप्टर मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ, काफ़ी फेमस चैप्टर है, द नेकलेस, रिटन बाय गाय दी मापोसा। बेसिकली ये एक फ्रेंच स्टोरी है जिसका अनुवाद काफ़ी लैंग्वेजेस में किया गया है। हमारे CBSE NCERT सिलेबस में, काफ़ी स्टेट बोर्ड सिलेबस में, NIOS, साथ में ICSE बोर्ड में इस स्टोरी को दिया गया है। एक विटी ह्यूमर है, एक सकास्टिक ह्यूमर है इसमें, कि किस तरीके से लोगों की लाइफ यू नो भौतिक चीज़ों के पीछे, फिजिकल चीज़ों के पीछे चेंज सी हो जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस मटिल्डा लोइजेल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हुए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ये था कि उस लड़की के पास लाइफ में वो सब था जिससे कि वो एक बड़े घर की यू नो वाइफ बन के, बहू बन के एक रिच और लैविश लाइफ जी सकती थी। शी वॉज ब्यूटिफुल, चार्मिंग, हैड एन एटीट्यूड, वॉज हैड एन एम्बिशन एज वेल, हैड सम रिच फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड शी कुड हैव स्टेड इन अ लैविश लाइफ। बट कहते हैं ना, किस्मत का एक मोड़ आता है। वो लेडी हालांकि ब्यूटीफुल थी, बट शी गॉट मैरिड टू अ सिंपल मिडिल क्लास गाय हु वॉज मिस्टर लोइजेल, हु वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, द एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही यूज टू वर्क, सो ही वॉज अ क्लर्क माई फ्रेंड। अब ये देखिए आप, अ ब्यूटिफुल यंग लेडी जिसके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, उसे एक रिच और लैविश लाइफ जीना है, उसे पार्टीज करना है जहाँ पे नाइट्स इन गोल्डन आर्मर्स आते हैं, एंड यू नो दे गो अहेड एंड ट्रीट लेडीज लाइक डैम्सल्स एंड यू नो ऑल द वाइजरी थिंग्स। बट आयरनी ये है लाइफ की कि हालांकि उसके पास ऑल द लुक्स एंड एवरीथिंग है, लेकिन शी हैज टू सेटल डाउन इन अ क्लम्सी डिंगी हाउस ऑफ अ मिडिल क्लास मैन। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उस लेडी के दिमाग में चलता रहता था, शायद अपनी लाइफ से वो उतना खुश नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इसी तरीके की उधेड़ बुन में जिंदगी किसी तरीके से चलती रहती है। एक दिन उनका हस्बैंड एक इनविटेशन लेकर आता है, जो इनविटेशन था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरफ से, जिन्होंने अपने ग्रैंड बॉल में, एक डिनर में इनको इनवाइट करा था, मिस्टर एंड मिसेस लोइजेल को। अब वो इनविटेशन कार्ड पढ़ के मटिल्डा ज्यादा खुश नहीं होती, वो सिंपली वो कार्ड फेक सी देती है। अब यहाँ पे मिस्टर लोइजेल एक सिंपल बंदा है, वो सोचता है कि मेरी वाइफ ये देख के तो बड़ा खुश होना चाहिए था। वो बोलते हैं, मटिल्डा तुम्हें क्या हुआ, ये इतना अच्छा इवेंट है, बड़े बड़े लोग वहाँ रहेंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमें वहाँ इनविटेशन मिला है जाने का। मटिल्डा यहाँ कहती है, क्या फ़ायदा वहाँ जाने से, मेरे पास कोई ढंग की ड्रेस तो है नहीं जो मैं वहाँ जाके यू नो पहन सकूंगी, ये क्लम्सी ड्रेसेस में मैं इन रिच लेडीज के बीच में किस तरीके से अपने आप को पेश करूंगी, मुझे नहीं पता। सो शी वॉज हैविंग अ डिनायल कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। अब होता ये है कि बेचारा हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार तो करता है, उसे खुश भी देखना चाहता है, और वो भी समझता है कि हाँ उस जगह जाने के लिए थोड़ा सा एक यू नो एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो वो बोलता है धीरे से अपनी वाइफ के लिए, वाइफ को बोलता है, मटिल्डा तुम्हें कितने रुपए चाहिए कि तुम एक नई फ्रॉक या एक नई ड्रेस खरीद लो। अब मटिल्डा यहाँ पे कैलकुलेशन चालू करती है, लेकिन वो थोड़ा सा झिझकते हुए कैलकुलेट करके बताती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका हस्बैंड एक मिडिल क्लास पर्सन है, ज़्यादा महंगा बोल दूंगी तो मना कर देगा, कम महंगा लेना मेरे को है नहीं, तो किस तरीके से मैं अज्यूम करूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना अमाउंट दे दे। तो कुछ हिचकिचाते हुए, सकुचाते हुए फाइनली अपने हस्बैंड को बोलती है, मुझे 400 फ्रैंक्स आप दे दो। अब 400 फ्रैंक्स सुन के पति का तो बिल्कुल खून सूख जाता है कि 400 फ्रैंक तो मैंने गन खरीदने के लिए रखे थे, जो कि समर्स में मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं हंटिंग करने जाने वाला था, बट क्या करें, वाइफ की डिमांड है। तो हस्बैंड ने 400 फ्रैंक उसको दे दिए और ड्रेस रेडी होने के लिए चली गई। फाइनली वो दिन आता है जब उन्हें वहाँ जाना है, तो उसके एक दिन पहले मिस्टर लोइजेल अपनी वाइफ से कहते हैं, मटिल्डा तुम्हारी ड्रेस तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई, लेकिन क्या बात है, तुम एकदम सैड सी लग रही हो। मटिल्डा कहती है, वो ड्रेस बनने से फ़ायदा क्या है, मेरे पास में पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। अब ज्वेलरी नहीं है तो पति बेचारे बोलते, यार एक काम करो, तुम फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं उनको पहन लो, दैट विल लुक गुड और सीजन भी बड़ा अच्छा है। अब मटिल्डा बोलती है, ये कोई तरीका है क्या, वहाँ इतनी सारी ग्रैंड लेडीज होगी, इतने सारे लोग होंगे, उनके पीछे मैं फ्लावर्स पहन के जाऊंगी, दैट वुड लुक क्लम्सी एंड फ्लिम्सी। तो
वहां पे लॉयजल के हस्बैंड जो है वो कहते हैं मतिल्डा के हस्बैंड कि तुम एक काम करो ना, तुम्हारी फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टियर जोआन, उससे बात करो, उसके पास काफी सारे ऑर्नामेंट्स हैं, वो तुम्हें एक दिन के लिए कोई सा ऑर्नामेंट लेंड कर देगी। अब ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है मतिल्डा को कि वहाँ यार मैं अपनी फ्रेंड से जाके ले सकती हूँ। अपनी फ्रेंड के घर जाती है, मिसेस फॉरेस्टिया के घर जाती है, वो मिसेस फॉरेस्टिया से कहती है कि मुझे किसी तरीके से अपना कोई सा एक नेकलेस आप उधार दे दो एक दिन के लिए पहनने के लिए। मिसेस फॉरेस्टिया बोलती है क्या कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो मतिल्डा, ये सारे जो भी रखे हैं मेरे पास ऑर्नामेंट्स, इनमें से तुम कोई सा भी यू नो डिसाइड कर लो पहनने के लिए। अब होता यह है कि सारे ऑर्नामेंट्स देखती तो है मतिल्डा, लेकिन उसे कुछ खास मिलता नहीं है। फाइनली एक सिल्क बॉक्स के अंदर शी गेट्स अ डायमंड नेकलेस। तो चैप्टर का नाम इसी नेकलेस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। शी गेट्स दिस डायमंड नेकलेस एंड बस उसे देखते ही उसकी इच्छा हो जाती है कि यही वो चीज है जो मैं पहन के कल बॉल में जाऊंगी। अब वो बोलती है यू नो, वो अपनी फ्रेंड से बोलती है मिसेस फॉरेस्टियर से कि ठीक है कि अगर मैं ये ले लूं क्या, तो वो कहती है हाँ ले जाओ फील फ्री, मतलब बिना किसी अंकुश के उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि हाँ आप ले जाओ। आप इमिडिएटली तो यहाँ तो किस्मत खुल गई यार, वो उसने लिया और अपने घर गई। घर पे जाके शी वेंट अहेड एंड उसने उस बॉल में वो ड्रेस पहनी और वो नेकलेस पहना। शी वॉज रियली रियली लुकिंग गॉर्जियस माई फ्रेंड्स। बॉल कंप्लीट होता है एंड दिस यंग प्रिटी गर्ल यू नो हैड ऑल एम्बिशन। फाइनली उस दिन she was noticed by people and she was happy with that I have this necklace in my neck, I have this beautiful dress and I'm looking so delicate and gorgeous. Kisi tarike se wo ball complete hota, she was being attracted by many people around there aur finally ye log apne ghar jane lagte hain. Critter Crater mein niche nikalte hain carriage dhoondne ke liye. अब कैरेज उतनी रात को मिलता नहीं है, इनका घर लंदन के एक दूसरे कोने में, एक सिटी के एक दूसरे कोने में है। अब क्या करें, किसी तरीके से वो लोग लेन रिवर लेन पे चलने लगते हैं जहाँ पे कुछ कॉटेजेस मिले, उन्हें शायद कोई कैरेज मिल जाएगा। फाइनली एक ब्लैक कैरेज मिलता है जिसमें ये लोग बैठते हैं और घर पहुँचते हैं। थक तो गए हैं, घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और फाइनली एक बार मतिल्डा अपने आप को उस रूप में देखना चाहती है कि आज मैं कैसी लग रही थी। यू नो इट यूजली हैपन्स, आईने के सामने खड़ी होती है, ठंड थी तो स्कार्फ डाल रखा था। फाइनली शी टेक्स द स्कार्फ ऑफ एंड देयर्स अ रिवीलेशन, नेकलेस गायब है दोस्तों, नेकलेस गले में नहीं है। वो डायमंड नेकलेस जो उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था, दैट इज नो मोर इन अ नेक, नेकलेस कहीं खो गया है। इमिडिएटली अपने हस्बैंड को बुलाती है, उसका हस्बैंड ही वॉज लाइक ग्रीव्ड कि अरे बाप रे डायमंड नेकलेस किसी का खो गया है। पूरी रात भर बेचारा हस्बैंड उस जगह लेन पे कैरेजेस में पुलिस स्टेशन सब दूर ढूंढते हुए आता है, बट ही कैन नॉट गेट द नेकलेस आउट देयर। सुबह आने तक बेचारा हस्बैंड ना 5 साल और बढ़ चुका होता है उम्र में, 5 साल बूढ़ा हो गया होता है, इतनी टेंशन दिख रही है उसके चेहरे पे कि एक मिडिल क्लास पर्सन जो है किस तरीके से वो नेकलेस वापस देंगे। तो यहाँ डिसाइड होता है कि चलो हम एक शॉप पे चलते हैं, देखते तो हैं कि वो नेकलेस मिलेगा कितने का, अपन को रिटर्न तो करना ही है क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। तो डिसाइड होता है कि वो लोग एक शॉप पे जाएंगे, वहाँ पर उन्हें सेम वैसा ही एक नेकलेस मिल गया रहता है। लेकिन उससे पहले लॉयजल कहते हैं तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख के भेज दो कि वो नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है तो मैं उसको मेंड करवा के तुम्हें विद इन अ वीक दे दूंगी। अब वो जैसा ही कहा गया वैसा वो लेटर लिख के अपनी फ्रेंड को भेज देती है मतिल्डा। अब वहाँ जाते हैं, एक सेम वैसे का वैसा डायमंड नेकलेस मिलता है दोस्तों, और मतिल्डा फाइनली उस नेकलेस का प्राइस पूछती है तो प्राइस मिलता है 40,000 francs। नाउ 40,000 francs वॉज द अमाउंट दैट नेकलेस एक्चुअली हैड बोन। किसी तरीके से बार्गेनिंग होके 36,000 francs में वो नेकलेस की परचेज होती है। हालांकि लॉयजल के पापा उसे अपने यू नो कह सकते हैं वसीयत में 18,000 francs देके गए थे कि वो आगे अपना घर थोड़ा सा कर ले, ठीक एक फैमिली अच्छे से सेट हो जाए, लेकिन उस 18,000 के ऊपर और एक्स्ट्रा 18,000 francs चाहिए थे। तो किसी तरीके से उधारी लेके यू नो कर्जे लेके इन लोगों ने टोटल अमाउंट लिया और 36,000 francs में वो नेकलेस परचेस करा। फाइनली जाके मतिल्डा वो जो नेकलेस है वो जोआन को देके आती है और किसी तरीके से ये देखना चाहती है कि ये कहीं बक्सा खोल के ये नहीं देख ले कि ये वो वैसा नहीं है, थोड़ा सा उसका मिला जुला टाइप का नेकलेस है। बट अच्छा होता है वो फ्रेंड वो बॉक्स खोल के देखती नहीं है और मतिल्डा वापस आ जाती है।
दोस्तों 10 साल बीत जाते हैं इनको ये 36,000 फ्रैंक्स जो बाकी के रिमेनिंग जो उधारी जो ली थी, 10 साल बीत जाते एक मिडिल क्लास पर्सन को, एक फैमिली को किसी तरीके से वो कर्जा चुकाने में। जो घर था उनका, अब वो घर बदल चुका था, देवर लिविंग इन अ शैंटी रूम। मटिल्डा जो थी नाउ हैड ग्रून अप अ श्रूड वुमेन, मेहनती लेडी, बिकॉज शी न्यू कि किसी तरीके से उसे अपने हस्बैंड के साथ वो कर्जा मिल के चुकाना था, क्योंकि जो गलती उससे हुई है वो गलती उन्हें 10 साल का कॉस्ट देगी, ये उसने सोचा नहीं था। आफ्टर 10 ईयर्स मटिल्डा हैड ग्रोन ओल्ड, जो डेलिकेट हाथ थे अब वो हार्ड एंड रफ हो गए थे। शी हैड बिन वर्किंग डे इन डे आउट, और फाइनली 10 साल बाद किसी तरीके से दोस्तों उन्होंने वो कर्जा चुका दिया। कर्जा चुकाने के बाद जो सिर से एक बोझ हल्का होता है, वो फीलिंग अब उनके अंदर आई थी, एक कंटेंटमेंट था। लेकिन हाँ, मतिल्डा आज भी कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि वो लाइफ जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी मुझे ये दिन दिखा रही है। एक दिन ऐसे ही कुछ टाइम बाद मतिल्डा को उसकी फ्रेंड जोवान, जो फॉरेस्टी थी, वो दिखती है, और मतिल्डा इमिडिएटली बोलती है, जोआन इज दैट यू? जोआन बोलती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, आप कौन है मैडम? मतिल्डा कहती, मैं मतिल्डा लोइजल। जोआन सॉ दैट गर्ल द लेडी एंड शी वॉज लाइक सो सॉरी। वो बोलती है कि वॉट हैव यू टर्न इन टू, लुक योर सेल्फ, तुमने क्या हालत बना ली है? मतिल्डा यहाँ बोलती है, हालत तुम्हारे कारण हुई है जोआन। जोआन बोलती है, यह हालत मेरे कारण कैसे हुई है? तो बोलती, तुम्हें याद है तुमने मुझे जो नेकलेस दिया था? तो बोलती, हाँ। तो बोलती, वो नेकलेस मुझसे खो गया था, और फिर हम लोगों को उसी के समान एक नेकलेस खरीदना पड़ा, और वो हमको 36,000 फ्रैंक्स में पड़ा था। जोवान को एकदम लगता है, वो बोलती है कि क्या तुमने वो 36,000 का नेकलेस मेरे घर में दिया था मुझे वापस? तो मतिल्डा बोलती है, हाँ, लेकिन हमने तुम्हें बताया नहीं, बट आज मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो कर्जा हमने चुका दिया है। जोहान बोलती है, माय पुअर फ्रेंड, जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो खुद एक नकली नेकलेस था, और वो 500 फ्रैंक से ज्यादा का नहीं था। यहां ये चैप्टर एंड होता है दोस्तों। इट गिव्स अ शॉकिंग ब्लो कि अरे ये क्या हो गया, लाइफ के इतने साल जिस चीज के लिए बिताए हैं, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल गई, चेंज हो गई उस एक रात से। उस एक रात से जो लाइफ चेंज हो गई वो किस लिए चेंज हुई थी? एक 500 रुपए के नेकलेस के लिए दोस्तों। सो फाइनली चैप्टर यहाँ एंड होता है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा डिस्क्रिप्शन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाय द वे, अगर आपको हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए बाकी के दूसरे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ टाइप करिए पर्सनल ट्यूटर केविन लोपेस और टॉपिक का नेम, आपको डायरेक्ट किया जाएगा उस टॉपिक पे जहाँ पे आपको आपके वैल्यूबल सजेशंस देने का मौका भी मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक करिए। टेक केयर।